हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ मेगालिथ के टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स यानी अम्ब्रेला स्टोन और डोलमेन को डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मेगालिथ और ये बताया था कि 40 टाइप्स के मेगालिथ साउथ इंडिया में पाए गए हैं। इन 40 टाइप्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 6 टाइप्स। तो इन 6 टाइप्स में से एक टाइप है अम्ब्रेला स्टोन, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये अम्ब्रेला स्टोन क्या है, इसका नाम अम्ब्रेला स्टोन क्यों रखाया, इसको देखिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ लार्ज स्टोन ऑफ कॉलम साइज इज इरेक्टेड ऑन द ग्रेव एंड देन अपन दिस अम्ब्रेला शेप स्टोन इज प्लेस। क्या बोला जा रहा है इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है, सबसे पहले एक स्टोन की लार्ज कॉलम बनाई जाती है, एक स्टोन की लार्ज साइज कॉलम बनाई जाती है जिसको ग्रेव में रख दिया जाता है, ओके। उसके बाद एंड देन अपन दिस अम्ब्रेला शेप स्टोन इज प्लेस, उसके बाद इसके ऊपर अम्ब्रेला शेप का स्टोन रख दिया जाता है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है इस पॉइंट में, इसको समझिए। इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले कॉलम साइज का एक लार्ज स्टोन बनाया जाता है, किसके ऊपर, ग्रेव के ऊपर। उसके बाद ये लार्ज साइज स्टोन के बने कॉलम के ऊपर अम्ब्रेला शेप का स्टोन रख दिया जाता है। अगर हम इसको दूर से देखेंगे, ओके, अगर हम इस ग्रेव की शेप को दूर से देखेंगे तो ये हमें अम्ब्रेला की तरह लगता है, ठीक है। तो ये हमें अम्ब्रेला की तरह लगेगा, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा अम्ब्रेला स्टोन। ओके स्टूडेंट, समझ में आया कि अम्ब्रेला स्टोन को हम लोग अम्ब्रेला स्टोन क्यों कहते हैं। अम्ब्रेला स्टोन को हम लोग अम्ब्रेला स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ग्रेव के ऊपर लार्ज साइज का स्टोन का बना कॉलम बनाया जाता है और उसके ऊपर अम्ब्रेला शेप का स्टोन रख दिया जाता है, अम्ब्रेला शेप का स्टोन को प्लेस कर दिया जाता है। अगर हम इसको दूर से देखेंगे तो ये हमें अम्ब्रेला की शेप का नजर आएगा, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा अम्ब्रेला स्टोन। अब देखिए अम्ब्रेला स्टोन को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, अम्ब्रेला स्टोन को लोकल लैंग्वेज में टोपिकल कहा जाता है, ओके। अब स्टूडेंट्स, ये अम्ब्रेला स्टोन इंडिया के कौन कौन से रीजन में पाई गई है उसको देखिए। तो देखिए ये पाई गई है अरियनूर एंड चर्मनगढ़ इन केरला स्टेट, ओके। तो ये केरला स्टेट के अरियनूर और चर्मनगढ़ में पाई गई है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने अम्ब्रेला स्टोन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ये जो 6 इम्पॉर्टेंट टाइप्स के मेगा लेते हैं, इनमें जो 4th नंबर पे आता है डोलमिन, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग डोलमिन के बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम डोलमिन क्यों रखाया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डोलमिन के बारे में इसको जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है, डोलमिन इज अ वर्ड ऑफ केल्टिक लैंग्वेज। ये जो वर्ड है डोलमिन, ये कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, ये केल्टिक लैंग्वेज से लिया गया है, ओके। जिसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स टेबल ऑफ स्टोन, ठीक है, इसका मतलब टेबल ऑफ स्टोन होता है। अब हम लोग डोलमिन को, हम लोग डोलमिन क्यों कहते हैं, देखिए अगर हम इस ग्रेव को दूर से देखेंगे तो हमें किस शेप में नजर आएगा, ये हमें टेबल ऑफ स्टोन ऐसा लगेगा कि कोई स्टोन का टेबल है, ठीक है, हमें स्टोन की टेबल के जैसे लगेगा, डैट्स वाई इसको हम लोग डोलमिन कहते हैं। अब ये डोलमिन कौन कौन से रीजन में पाया गया है उसको देखिए। ये पाया गया है ब्रह्मगिरी ऑफ कर्नाटका एंड चिंगलपट्टू ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये कर्नाटका स्टेट के ब्रह्मगिरी में पाया गया है और तमिलनाडु स्टेट के चिंगलपट्टू में पाया गया है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेगालिथ को पढ़ा, फर्स्ट वन इज अम्ब्रेला स्टोन एंड सेकंड वन इज डोलमिन, ओके स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि अम्ब्रेला स्टोन को क्यों अम्ब्रेला स्टोन कहते हैं, डोलमिन को क्यों डोलमिन कहा जाता है, इसके अलावा अम्ब्रेला स्टोन कौन कौन से रीजन में पाया जाता है, डोलमिन कौन कौन से रीजन में पाया जाता है, अम्ब्रेला स्टोन को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं और डोलमिन को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको देखा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ टाइप्स ऑफ मेगालिथ के और भी इम्पॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ
बाकी के मेंगलिक के इम्पॉर्टेंट टैप्स को डिस्कस करूंगी। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखना, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।